डेस्टिनेशन है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी वैली ऑफ इमोशंस, राइट? वैली क्यों? क्योंकि वैली एक स्मूथ रोड नहीं होगी, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स होंगे, और हु एल्स कैन हेल्प अस एक्सप्लोर दिस वैली अदर देन मिस्टर गगनदीप। गगनदीप के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ही स्टार्टेड द बिजनेस एट 20, वाज अ प्लैटिनम इन हिज अर्ली 20s, एंड ही हैज बीन ट्रैवलिंग इंटरनेशनली विद एमवे फॉर लास्ट 4 years. ही इज फ्रॉम द सिटी ऑफ जालंधर एंड कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इज अ वर्कहोलिक, एंड इसी वजह से ही क्वालिफाइड एज ब्रांड न्यू रूबी इस कोविड के टाइम में, जब सारे बिजनेसेस नीचे जा रहे थे, ही क्वालिफाइड एज रूबी। सो हियर्स मिस्टर गगनदीप आर एक्सप्लोरर इन द वैली ऑफ इमोशंस। गगन मिस्टर गगनदीप, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, हाँ जी बिल्कुल आ रही है गगनदीप, थैंक यू, थैंक यू। सो अपने बारे में जैसे आपने थोड़ा सा बता दिया, मैं भी अपने बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ गगनदीप, और पंजाब से मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट और मकेरियाँ तहसील से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गांव है वहाँ पे बिशनपुर जिसका नाम है। और अब अपनी बैकग्राउंड जैसे बताता हूँ थोड़ी सी। जब मेरे फादर साहब जो हैं वो प्राइवेट जॉब में थे, और उनकी जॉब जो थी वो परमानेंट नहीं थी, कभी जॉब पे जाते थे कभी नहीं जाते थे, तो सैलरी रेगुलर नहीं आती थी घर में, तो हमारा घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था। और मेरे मदर सिलाई करके हमें हमारा घर का जो हमारा खर्चा था वो उठाते थे, और बहुत ही बुरे हालातों में हमने अपना बचपन गुजारा है। 20-25 साल जिंदगी के हमने एक कमरे में गुजारे हैं, जहाँ पे पूरी फैमिली, 3 ब्रदर और मम्मी पापा वहीं पे रहे हैं। और जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कभी भी मैंने शॉपिंग नहीं की। लोगों के पुराने कपड़े जो हैं वही पहन के मैं कॉलेज जाता था, वही पहन के मैं घर में भी रहता था, और लोगों की पढ़ी हुई किताबें जो थी वही लेके मैं भी स्टडी करता था। और शुरू से ही मेरा ड्रीम था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन कई बार ऐसे भी आते थे दिन कि कई बार खाना भी नहीं मिलता था और बिना खाने के भी सोना पड़ता था। और जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो 2500 की पहली प्राइवेट जॉब मुझे मिली। तो मुझे लगा 1-2 साल जॉब करने के बाद कि यार 2500 से मेरा गुजारा नहीं होगा, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। साइड बाय साइड मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन वहां से जो इनकम आ रही थी, तो मुझे लगा कि वो जो इनकम मुझे आ रही है उससे मेरी मनमर्जी की घर और मेरी मनमर्जी वाली कार मुझे कभी नहीं मिल सकती, चाहे मैं 20 साल भी लगा दूं, चाहे 50 साल भी लगा दूं। तो यही कश्मकश में था कि क्या करूं। तो एक अनजान दोस्त जो पहले कभी मुझे मिला नहीं था, उसने मुझे इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। ही इज ए गेस्टेड ऑफिसर दैट टाइम, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार इसमें हम 1-2 साल लगा के 50,000 बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बिलीव करके मैंने काम करना स्टार्ट किया और अपने दोस्तों से बात की, जैसे नेचुरल सब लोग बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, और आज तक मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं था। और लेकिन किया, कुछ अच्छे लोग जो इस अपॉर्चुनिटी पे एमवे में ग्रो कर रहे थे, उनकी एसोसिएशन ली। उनकी एसोसिएशन लेने से मेरे अंदर एक बिलीफ आया कि हाँ यार, अगर जे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मोटिवेशन की बात करूँ तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जब मुझे इस बिजनेस की क्लैरिटी होगी कि यार इसमें पैसा बन सकता है, तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो जिंदगी के मैंने 20 साल जिस गरीबी में गुजारे थे, मैं नहीं चाहता था कि दोबारा मेरी मेरी लाइफ में आने वाली जनरेशन जो है वो कभी वो दिन देखें। तो मैं चाहता था कि मैं एक बार मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई अमीर है, तो किसी पीढ़ी ने काम किया और नेक्स्ट जनरेशन अमीर हो गई, पैसा पैसे का एंजॉय कर रही है। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों में से मैं वो आदमी बनूं जो जिससे आगे वाली पीढ़ियां जो है वो अमीर बने। तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जब बात करता था तो वो मुझ पे गुस्सा भी करते थे, मेरे साथ लड़ाई भी करते थे, तो मैंने कभी भी उनके साथ नेगेटिव टॉक नहीं की। तो मैंने कभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, मैंने हमेशा उन लोगों के नाम अपने रूम के अंदर लिख के रखे कि यार बाकियों का तो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को मैं जरूर करके बताऊंगा।
और चैलेंज की बात करूं कि जब मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को तो मेरे पास पैसा बहुत कम था, 2,500 की सैलरी थी, पैसा इनकम नहीं थी। तो प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए इनकम पैसा चाहिए था, और कहीं आने जाने के लिए, मीटिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए पैसा चाहिए था। तो मैं क्या करता था, प्रोडक्ट्स रिटेलिंग बढ़ाई मैंने, और प्रोडक्ट्स रिटेलिंग बनाने के बाद मैं ट्यूशन वर्क करता था, बहुत सारे काम करता था, तो मैं पैसा इकट्ठा करता था। जो मुझे इनकम एमवे से मिल रही थी वो मैंने खर्च नहीं की, उसको मैंने फिर दोबारा इसी में री इन्वेस्ट किया। तो उसके साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा बिजनेस बढ़ने लगा, और जैसे मुझे नेगेटिव लोग भी मिलते थे तो वहां मुझे कुछ अपने जैसे पॉजिटिव लोग भी मिलने शुरू हुए। तो जब मुझे पॉजिटिव लोग मिलने शुरू हुए तो उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते टीम बनने लगी, और आज हम सारे दोस्त मिलके इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू पैसा बना रहे हैं, सारे लोग वेल सेटल्ड हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। और सब लास्ट में सभी दोस्तों से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि कम पैसा, अगर किसी के पास पैसा बहुत कम है, अगर कोई बंदा बहुत गरीब है ना, तो ये उसकी और उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। और अगर उसने इस अपॉर्चुनिटी को देख लिया है और अभी वो सोच रहा है कि यार इसको करूं या ना करूं, तो मेरे हिसाब से उसको इसको करके और अपनी जो फैमिली है, अपनी जो आने वाली जनरेशन है, उसको इस श्राप से मुक्ति दिलानी चाहिए। क्योंकि हमने वो चीजें की हैं, ठीक है ना। हमारी लाइफ का यू टर्न हो गया, हम जिस हालात में थे, मुझे कई बार वो चीजें याद करके मुझे रोना भी आता था कि एक कमरे में जहां में हम रहते थे, जब बारिश के दिन थे तो हमारे घर में बर्तन खत्म हो जाया करते थे, कि इतनी जगह से पानी निकलता था ना वो छत के ऊपर से, तो हम कहीं कोई बर्तन कहीं पर रखते थे, कोई कहीं पर रखते थे। आज अपने घर में है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, और बड़ा मजा आ रहा है बिजनेस को करते हुए। और मतलब जितनी हम इनकम ले रहे हैं उसमें से हम चैरिटी भी कर रहे हैं। और यही मेरा एक ड्रीम था, और सभी से यही है कि अगर मैं कर सकता हूँ, आप हम सबसे बहुत बढ़िया हो यार, बहुत, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। थैंक यू गगनदीप, थैंक यू सो मच।